मकान बनाने के लिए कौन सी जानकारी आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है? आज का हमारा विषय रहने वाला है दोस्तों मकान को लेके, मकान किन स्थितियों में बनाना चाहिए, कौन से ऐसे मुहूर्त का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से लगन में हमें मकान बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मकान जीवन में केवल एक बार बनाने का सौभाग्य मिलता है और वहीं पर यदि हम गलती कर बैठते हैं तो हम तमाम जीवन दुखों का भोग करते हैं, सुख हमें नहीं मिल पाता है। ऐसे कौन से कारण रहते हैं, इन तमाम विषयों पर आज की वीडियो आपको समर्पित रहेगी, क्योंकि आप लोगों के द्वारा बहुत से ऐसे प्रश्न हमें व्हाट्सएप पर भेजे गए थे कि आप एक वीडियो मकान के बारे में आप हमें जरूर बताइएगा, मकान कैसे किन स्थितियों का ध्यान रखते हुए हमें बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो आपके मकान को लेके ही है, मकान में कौन से लगन में हमें जो है मकान की नींव रखनी चाहिए, कौन सी दिशा से हमें खुदाई करनी चाहिए और मकान में कौन सी जगह पर कौन सी चीज बनानी चाहिए, बाथरूम रसोई के लिए कौन सी जगह उत्तम होती है और हमारी जो पैड़ी होती है छत पर चढ़ने वाली तो वो कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में हम जाएं। और इससे अगला प्रश्न था हमारे पास के घर में जो हम देवताओं की मूर्तियों की स्थापना करते हैं वो मूर्तियां क्या हमें प्रतिष्ठित करानी चाहिए, अगर हम प्रतिष्ठित नहीं करवाते हैं तो उसका क्या नुकसान है और जो हम प्रतिष्ठित करवाते हैं तो उसका हमें क्या फायदा है और कौन सी प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, क्योंकि एक चल होती है और एक अचल प्रतिष्ठा होती है। दो प्रकार की जो है प्रतिष्ठाएं हमारे जीवन में बताई गई हैं, तो हमें कौन सी प्रतिष्ठा का पालन करना चाहिए और दूसरा विषय ये, तीसरा विषय जो हमारा रहेगा दोस्तों वो रहेगा क्या हमें घर में देवी देवताओं की तस्वीरें रखनी चाहिए। समझाऊंगा शब्दों के लिए, देवी देवताओं के साथ क्या हमें अपने पूर्वजों की तस्वीरें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इससे क्या नुकसान है क्या फायदे हैं, गुरु की तस्वीर क्या हम देवताओं के साथ रख सकते हैं या नहीं, इन तमाम विषयों पर आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों के आग्रह पर आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलिए विषय पर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अंशुमन शर्मा, आप सबका आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। आग्रह आप लोगों से निवेदन, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में जय गौ माता की लिखेगा, जय भारत माता की भी लिख सकते हो और आप हमें अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें। चलिए दोस्तों विषय पर आगे बढ़ते हैं। जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी ना किसी का भला आपके माध्यम से हो पाए, क्योंकि दोस्तों ये सौभाग्य केवल एक बार प्राप्त होता है, अगर यही गलत हो गया तो फिर तमाम जीवन जो है हमें दुखों को भोगना पड़ता है, सुख नहीं मिल पाता है। आज इस विषय पर आज की हमारी चर्चा है, चलिए विषय पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मकान बनाते समय सर्वप्रथम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मकान बनाते हैं तो हमारे लिए जानना परम आवश्यक होता है कि वो जगह शापित तो नहीं है। शापित को लेके आप लोगों के मन में क्वेश्चन खड़ा होगा कि ये क्या चीज है भाई, शापित उस जगह को बोला गया है जहां पर कोई पशु पक्षी या फिर इंसान तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्यागते हैं, तो उनकी आत्मा की जो तड़पन की अवस्था होती है उस समय पे जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो वही अवस्था उस जगह पर मकान बनने में और उस घर में रहने वाले, उस मकान में रहने वाले इंसानों की बन जाती है। अर्थात बाहर खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, परंतु जैसे घर के अंदर एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक जो है प्रभावित होता है और मन में गुस्सा आ जाता है और कहीं ना कहीं पीड़ा महसूस करते हैं। तो ऐसी अवस्था ये तीन चीजों के कारण होती है, जब कोई पशु वहां पर तड़प तड़प कर, अर्थात कोई भोजन या फिर किसी घातक बीमारी से या फिर किसी घातक हथियार से उन्हें आघात पहुंचाया गया और बड़े लंबे समय तक वो वहां पर तड़पते रहे हैं और अंत में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हों, तो ऐसी जगह शापित हो जाती है। या फिर आजकल जैसे पहले भी था कि इंसानों को जैसे बांध कर जूड़ कर फेंक दिया जाता था या फिर उनके कोई हथियार से कोई आघात पहुंचा दिया जाता था और लंबे समय तक वो इंसान वहां पर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागता था, तो कहीं ना कहीं वो जगह साबित हो जाती है वो इंसान के या फिर किसी के भी रहने योग्य नहीं होती है, क्योंकि जो एनर्जी उसके द्वारा वहां पर उस समय उत्पन्न होती है मनुष्य के द्वारा या फिर पशु पक्षी के द्वारा,
तो वो उस जगह को प्रभावित कर देती है। तो वहां पर रहने वाले कोई भी कभी भी सुखी नहीं रह पाते हैं। ये हम बहुत से ऐसे केसों में देखते भी हैं कि हमें शापित जगह देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसका उपचार क्या किया जाए? उपचार में यदि वहां पर कोई अच्छे से किसी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुबह शाम दोनों टाइम उस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो कहीं ना कहीं इन स्थितियों में परिवर्तन आता है और जो वहां पर शापित पशु पक्षी को तो वहां पर मुक्ति मिलने की संभावनाएं पूरी पूरी बन जाती हैं। मनुष्य के लिए शायद कोई और कार्य करना पड़ सकता है उसके लिए, जैसे कि कोई गायत्री बड़ा अनुष्ठान करना पड़ सकता है, ब्राह्मणों के द्वारा करवाना पड़ सकता है, वहां पर नारायण बलि भी करवा सकते हैं और त्रिपिंडी का भी जो कर्म का विधान है वो भी करके आप उस शापित जगह को श्राप से मुक्त कर सकते हैं जो किसी मनुष्य के द्वारा तड़प तड़प कर जान देने पर वहां की अवस्था हुई है। पहला प्रयास तो ये रखिएगा कि आप ये पहले ही जान लें कि वो जगह शापित तो नहीं है, ये किसी आप अच्छे योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपसे गलती हो चुकी है कि आपने वहां पर मकान बना लिया है और अब आप परेशान हैं तो आप इनमें से किसी भी चीज का पालन करके आप इस तरह की स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। सुबह शाम मंद मंद जो है आवाज में यदि आप मधुर ध्वनि में गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय का आप कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ध्वनि चलाते हैं या फिर ओम की ध्वनि, तो वो भी कहीं ना कहीं घर की जो है नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है और पॉजिटिव एनर्जी की उस घर में स्थापना करती है। आगे बढ़ते हैं कि मकान बनाते समय किस लग्न का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों 12 प्रकार के लग्न हैं, 12 में से 4 स्थिर हैं, 4 अस्थिर हैं और 4 द्विषभाव के हैं। अब हमें मकान जो बनाना चाहिए वो स्थिर लग्न में बनाना चाहिए, क्योंकि देखो मकान जीवन में हम लोग एक बार बना पाते हैं और स्थिर का अर्थ है स्थिर रहना, चर का अर्थ है चलते रहना, अर्थात हमें जो है चर लगन में चलने वाली चीजों को खरीदना चाहिए, स्थिर रहने वाली चीजों को हमें स्थिर लगन में खरीदना भी चाहिए और बनाना भी चाहिए। यदि आप प्लाट बनाते हैं तो आप जिस समय साई देते हैं तो उस समय भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे केस हम लोगों ने अपने जीवन में देखे हैं कि मकान बनाया या तो बनाने से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसी विपताएं कंप्लीट होने से पहले प्रारंभ होगी कि कोई बीमारी आ गई है या फिर कोई ऐसी दिक्कत कि आपको आप मकान आगे नहीं बना पा रहे हैं, आपका कार्य अधूरा बीच में रुक चुका है, या फिर जैसे ही मकान तैयार होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति भी देखने को मिल जाती है कि आपको किन्हीं कारणों से वो मकान बेचना पड़ जाता है और आपने बड़े दिल से और धैर्य से उस मकान को बनाया था पर आप उसका सुख नहीं भोग पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मकान का सुख भोगना चाहते हैं और आप उसको सेल नहीं करना चाहते, दिल से आपने मकान बनाया है और आनंद के साथ आप उसमें रहना चाहते हैं, तो आप स्थिर लगन के अंदर ही मकान को खरीदिएगा। अब स्थिर लगन की बात कर लेते हैं। वैसे ये जो मैटर है ये किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण के द्वारा जानने का है, परंतु मैं आप लोगों को उन 4 लग्नों के बारे में बता देता हूं जिनमें आपको मकान को या प्लाट को खरीदना चाहिए और इन्हीं में आपको जो है स्थिर लगन में प्लाट खरीदना चाहिए और चर लगन में जो है आपको मकान को बनाना चाहिए, क्योंकि आपका कार्य चलते रहना चाहिए, यानी कि चनाई का कार्य जो है आपका वो रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान चर लगन में मकान की नींव प्रारंभ करनी चाहिए और स्थिर लगन में जगह को खरीदना चाहिए। कहीं आप यदि स्थिर लगन में आप उसकी नींव रखना प्रारंभ कर देते हैं, चनाई प्रारंभ कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका कार्य क्या है रुक जाएगा बीच में, क्योंकि स्थिर लगन में आपने उसका प्रारंभ किया है ना। तो स्थिर लगन में आप प्लाट को खरीदने और चर लगन में चनाई को प्रारंभ कीजिएगा। अब इसमें दोस्तों बात की जाए चर लगन की, तो चर लगन की श्रेणी में आते हैं मकर, करक, तुला, ये चर लगन 4 लगन जो है करक रहते हैं। स्थिर लगन कौन कौन से रहते हैं? वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये स्थिर लगन रहते हैं। और अगर बात की जाए द्विषभाव की, यानी कि जो चर भी हैं और भाई स्थिर भी हैं, वो कौन कौन से हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विषभाव के हैं, यानी कि इनमें कभी कार्य चल पड़ता है कभी स्थिर हो जाता है, इनका स्वभाव ही ये है। तो अब चनाई शुरू करने वो किस दिशा से करनी चाहिए ये भी एक जानने का एक बड़ा
अहम हिस्सा है कि जब आप मकान की खुदाई प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से ये जान ले कि आपको जो है खुदाई आग्नेय ने कौन से करनी है, या फिर ईशान कौन से करनी है, या फिर वायव्य कौन से करनी है, क्योंकि सूर्य की स्थिति के अनुसार ये परिवर्तन होता रहता है। तो जब भी जिस भी महीने में आप खुदाई प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से जान ले कि हम खुदाई कहाँ से करें, क्योंकि दोस्तों जो हमारी ये पृथ्वी है वो शेष नाग पर टिकी हुई, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो जब हम खुदाई करते हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि एक तो भूमि सोई हुई अवस्था में तो नहीं, जैसे हमारे जीवन में सोना और जागना होता है वैसे ही भूमि की भी अवस्था यही होती है कि कभी वो सो जाती कभी जाग जाती, उसका भी एक नियम है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो सोई अवस्था में या जागृत, तो हमें जागृत अवस्था में खुदाई करनी चाहिए। और जब हम या कस्सी या फावड़ा चलाते हैं तो वो वहां पर चलना चाहिए जहां पर शेष नाग का शरीर नहीं है, अर्थात साइड की अवस्था में, वो आपको योग्य ब्राह्मण से जानकारी मिल सकती है। तो आप ऐसे खुदाई प्रारंभ कर लें, और खुदाई जो है आपकी सीधी दिशा में होनी चाहिए। भाई सीधी दिशा कौन सी होगी कि आपकी जो गति सूर्य के अनुसार चलनी चाहिए। जब आप खुदाई प्रारंभ करते हैं तो खुदाई प्रारंभ करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो है गति पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर की तरफ फिर पूर्व में आके मिलनी चाहिए। यहां पर ये आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर अगर आप कोई गलती कर दें तो कहीं ना कहीं वो आपकी द्विधाओं में डाल सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि भाई इतना कुछ पंगा करना पड़ता है मकान बनाने के लिए, तो ये क्या बेकार की जानकारी है, इतना कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैसे ही करना आपके लिए जरूरी है जैसा कि आप जब सब्जी बनाते हैं या कोई घर में मिष्ठान बनाते हैं उसमें सभी चीजों का प्रयोग होता है। कोई ऐसी चीज की त्रुटि आप छोड़ते हैं, नहीं छोड़ पाते ना, क्योंकि स्वाद बिगड़ जाएगा। तो जैसे किसी मिष्ठान या किसी सब्जी को बनाते समय हर चीज का होना जरूरी होता है, वहां पर हम कोई संकोच नहीं कर पाते क्योंकि बात भाई टेस्ट की है। तो भाई ये भी आपके एक सुखों का ही टेस्ट है जो आप मकान बना रहे हैं, और इसमें बनाते समय जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं तो ये वैसा ही कार्य करती हैं आपके जीवन में जैसा किसी मिष्ठान को बनाते समय, या फिर कोई सब्जी बनाते समय, या फिर कोई दाल खिचड़ी कुछ भी आप बनाते हैं उसमें जो जो चीजों की आवश्यकता होती है यहाँ पर भी आपको वैसे ही इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने खुदाई प्रारंभ कर दी है तो अब आपको नींव रखनी है। अब नींव रखने के लिए क्या करना चाहिए, भाई यहाँ पर आपको सर्वप्रथम तो विश्वकर्मा भगवान का, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, और विश्वकर्मा के रूप में जो आपके मिस्त्री हैं उनके जो औजार हैं उनका आपको पूजन करना चाहिए। मोली बांधकर उनसे आग्रह करना चाहिए कि आप मेरा मकान बनाइएगा, ताकि आनंद के साथ बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं यदि आपका मिस्त्री परेशान है तो आप मकान में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी के साथ आपका मकान तैयार हो रहा है, या आप उसको जबरदस्ती उससे कार्य ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप उस मकान में आनंद के साथ सुख भोग पाएंगे। तो आपके मिस्त्री को भी आपको खुश रखना है, उनका पूजन करके उनसे आग्रह करें, मोली बंधन करें उनको कि आप हमारे जो है मकान को बनाने का कार्य प्रारंभ कीजिएगा। तो इसमें आपकी जो नींव की सर्वप्रथम 11-5 ईंटें आप किसी 2.5 वर्ष से ऊपर 9 साल से नीचे की कन्या का पूजन करके आप उनके द्वारा कच्ची लस्सी या फिर पंचामृत में आप इन ईंटों को धोकर ईशान कोण में कलश का पूजन करके शेषनाग वास्तु देवता का ब्राह्मण से पूजन करवा के, और यहाँ पर आपको ईशान कोण में एक शहद की कुल्लो और चांदी के नागदागनी का जोड़ा, पीली सरसों और एक दीवा आपका ईशान कोण में स्थापित होगा, और यहाँ से आपकी 5 ईंटें लगेंगी, 5 या 11, उन पर राम नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि राम एक वो आनंद है जो संसार के अंदर संपूर्ण रूप से इस प्रकृति में मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी ईंटों पर होगा तो आपको आनंद का अनुभव जरूर होगा, क्योंकि राम नाम में बड़ी ही शक्ति है। तो यहाँ पर आप ईशान कोण में देवताओं का पूजन करके आप अपनी यात्रा ईंटों की लगाने वहां से शुरू कीजिएगा, क्योंकि एक आपकी एक यात्रा ही है ये। तो आपकी यहाँ पर भी गति आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सूर्य की गति के अनुसार ही चनाई को प्रारंभ कीजिएगा। जैसे सूर्य हर दिन उदय होता है अस्त होता है, तो उसी की गति के अनुसार आप अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। अब इसमें आगे क्या ध्यान रखें, भाई आगे एक बड़ी प्रमुख जानकारी है कि आप आगन्य कोण में भाई कोई लैटरिन बाथरूम ना बनाएं,
क्योंकि यहाँ पर मेरा ये डीलरों से भी आग्रह है, क्योंकि बहुत से ऐसे घरों में हम लोग देखते हैं कि एक युवा अवस्था में लोग जो है इस संसार छोड़ जाते हैं, अल्पायु दोष उनको लग जाता है, कम उम्र में मृत्युएं हो जाती हैं, क्योंकि जब हम प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, प्रकृति से अलग चलते हैं, अर्थात जिस जगह की जो स्थिति नहीं होनी चाहिए हम वहां पर उसको स्थापित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति और देवता हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे घर में देवताओं के आने का भी एक रास्ता है, अन्न आने का भी एक रास्ता है, सुख आने का भी एक रास्ता है, दरिद्रता आने का भी एक रास्ता है, और दुखों के आने का भी एक रास्ता है। यदि आप अपने घर में दुखों को आने के रास्ते पर ज्यादा फोकस करते हैं और देवताओं के और अन्न सुख सौभाग्य के रास्ते आने पर आप ज्यादा अहमियत नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन फिर दुखों से और ऐसी चीजों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ईशान कोण से ही आपको घर में पानी की एंट्री लेनी चाहिए, जो पानी का कनेक्शन आप लोग देते हैं, इस कोण से ही आप जो है वाटर कनेक्शन आप अपने घर में लीजिएगा। और इस कोण में आप सर्वप्रथम तो ये है आपके लिए कि यहाँ पर आप कोई मंदिर बनवाइएगा, और मंदिर नहीं बनवा सकते तो यहाँ पर कोई तुलसी का पौधा या केले का पौधा, बड़ा शुद्ध पौधे होते हैं ये, जो घर में जो है सुख शांति का आगमन करते हैं, और देवता इनकी जड़ों में वास करते हैं, देवता इनके अंदर वास करते हैं। तो आप ईशान कोण में आप देवताओं की से संबंधित कोई वृक्ष भी लगा सकते हैं, मंदिर बनाएंगे तो ये तो भाई सोने पे सुहागे वाली अवस्था हो जाती है, तो बड़ा आनंद की स्थिति बन जाती है कि यदि आप ईशान कोण में देवताओं को जो उनके आने का रास्ता है और वहीं से आप उनको स्थापित करते हैं, तो आपके घर में सुखों को आनंद को आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर आप देवताओं को स्थापित करिएगा और आगे बढ़िएगा। आप वायव्य को, जो अगला आगण्य कोण, आगण्य कोण जो होता है दोस्तों, इस पर हमें जो है लेटरिंग बाथरूम को बनाने से बचना चाहिए। ईशान कोण में भी, क्योंकि ये दो कोण ऐसे हैं जो घर में कम आयु में इंसान की मृत्यु का कारण बनते हैं। यदि यहां पर हम लेटरिंग या बाथरूम बना बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं में बढ़ोतरी करेंगे। अगर आगण्य कोण में देखिए रसोई का स्थान है ये, अर्थात आपके पेट में जो जाने वाला अन्न है, इसी कोण के माध्यम से माँ भगवती अन्नपूर्णा आपके घर में अन्न को पहुंचाती है। और यहाँ पर आप यदि लैटरिंग बाथरूम बना देते हैं, यानी कि उसको अपोजिट गंदगी वाले स्थान को यहाँ बना देते हैं, तो फिर घर में आनंद कैसे ले पाएंगे? बड़े से बड़ा आपके पास धन का भंडार है वो भी समाप्त हो जाएगा, और आप सब कुछ होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सुख का अनुभव चाहिए तो आप इस कोण में, केवल आगन्य कोण में रसोई का ही निर्माण कीजिएगा, किसी और चीज का निर्माण मत कीजिएगा, वरना वो आपके समस्या का कारण बन सकती है। और इस कोण में ऊपर जल का निर्माण मत कीजिएगा, पानी की टंकी मत बनाइएगा, क्योंकि यहां पर यदि आप पानी की टंकी बना बैठते हैं, आग का और पानी का कोई मेल नहीं है, तो जब इन दोनों को आप एक साथ रखेंगे, नीचे रसोई ऊपर नीचे आगन और ऊपर आप जल का निर्माण कर देते हैं, तो ये भी आपके दुर्भाग्य को बढ़ावा देगा, सौभाग्य को नहीं स्थितियां बिगाड़ देगा। तो इस कोण में आप केवल रसोई का निर्माण करें, या फिर आप स्टोरेज बना सकते हैं अन्न की, आपके घर में जो बनने वाली चीजें हैं आप उनको भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, यदि आप रसोई नहीं बना पा रहे हो। और इस कोने में आप एक लाल रंग के बल्ब को जरूर लगाइएगा, लाइट का सोर्स जरूर बनाइएगा, वो आपके घर में बड़ी सुंदर एनर्जी को बढ़ावा देगी और आप सुख का अनुभव कर पाएंगे। आगे की बात कर लें तो दोस्तों लैटरिंग और बाथरूम, लैटरिंग बाथरूम के लिए सबसे जो अच्छी स्थिति जो घरों में मानी गई है वो मानी गई है, आप वैसे तो शास्त्र में इसका घर में कोई विधान नहीं है, क्योंकि पहले जो था वो लोग अक्सर बाहर घर से काफी दूर इन चीजों का निर्माण करते थे या फिर जंगलों में जाया करते थे, पर आज के उसमें यदि आप निर्माण करना चाहते हैं तो आप घर में केवल दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का कोना है यहां पर आप बाथरूम या टॉयलेट का निर्माण आपके लिए सही रह सकता है, और किसी और दिशा में आपके लिए लैटरिंग बाथरूम का निर्माण उचित नहीं रह सकता है। सीट का जो स्थान, सीट पर जब हम बैठते हैं उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए, वही देखिए उत्तर और पूर्व की दिशा में मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या दोष घर में देखने को मिलता है, एक तो एलर्जी घरों में देखने को ज्यादा मिलती है, दूसरा बच्चे के चेहरों पर दाग धब्बे बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जब हम सुबह फ्रेश होते हैं तो फ्रेश होते समय जब हमारा मुख
पूर्व और उत्तर की तरफ होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, शरीर को दिक्कत देता है। तो यहाँ पर निर्माण जरूर करिएगा लैट्रिन बाथरूम का, परंतु उसका मुख आप दक्षिण में करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला। बात कर लेते हैं भाई पैड़ी की। देखिए छत पर चढ़ने का एक हम रास्ता बनाते हैं, वो रास्ता कई बार हम उल्टा पुल्टा बना देते हैं। उल्टा पुल्टा भाई कैसे कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं छत पर, तो छत पर चढ़ते समय हमारा मुख जब गलत दिशा की तरफ जाता है, अर्थात जैसे सूर्य की गति, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं सूर्य की गति के अनुसार, या फिर जो आपके घर में पंखा चलता है उसको ले लीजिए, कि जब आप छत पे चढ़ते हैं तो आपका जो घूमना है वो छत पर बिल्कुल सूर्य की तरह ही होना चाहिए। अर्थात आप ऐसे गए हैं तो आपको इधर मुड़ना चाहिए, जिस तरफ सूर्य मुड़ता है वहां से निकलता है, पूर्व से, पूर्व और उत्तर के बीच से, तो जाके ये दक्षिण में पश्चिम में अस्त होता है। तो उसी के गति अनुसार, या फिर आप पंखे का उदाहरण ले लीजिए कि जब आपके घर में पंखा चलता है तो आपका मुख जो है, जब आप छत पे जाते हैं तो आपका घुमाव जो है पहले होना चाहिए भाई दक्षिण की तरफ, फिर आप पश्चिम की तरफ, फिर आप जाएं उत्तर की तरफ। तो छत पर चढ़ते समय इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पैड़ी सुलटी बन जाएगी। ऐसे समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, आप समझ में नहीं पाएंगे, तो आप दो चीजों का पालन कर लीजिए, पंखा और सूर्य की गति। तो इसका कितना जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत केसों में ऐसा देखा है दोस्तों। देखिए ज्ञान एक ऐसा चीज है, वो जरूरी नहीं है कि सारा किताबों से ही प्राप्त हो जाए, हमें कहीं ना कहीं वो ज्ञान हमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा देता है। जितना हमें किताबों से नहीं मिल पाता है, उससे ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जब हम लोग उल्टी पैड़ी बना देते हैं, उससे क्या नुकसान होता है कि एक बार तो हम बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति में भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं लाइफ में कोई हादसा, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा लॉस फेस करना पड़ता है कि जहाँ से हम प्रारंभ हुए थे फिर हम वहीं पर आकर रुक जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखकर ही आप जो है घर में पैड़ी का निर्माण करें। अब बात कर लेते हैं फेस की, मकान का फेस किन किन दिशाओं के सबसे ज्यादा अच्छा होता है। भाई देखिए सात्विक जो लोग होते हैं, सात्विक अर्थ जो प्योर वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज वगैरह ड्रिंक वगैरह इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं, तो उन लोगों को जो है उत्तर या फिर पूर्व, ये दो दिशाएं सबसे ज्यादा अच्छी रहती हैं। उनकी एनर्जी में वृद्धि होती है और वो आनंद के साथ जीवन व्यापन कर पाते हैं। और जो थोड़ा आप नॉन वेज वगैरह, देखो ये गलत है, ये चीज़ें इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, पर देखो संसार है, हम लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पर धक्के से जबरदस्ती से किसी को रोक नहीं सकते हैं। पर जो करते हैं भाई ये चीज़ गलत है, मैं दिशा तो बता रहा हूँ, पर मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप बेजुबानों की हत्या का कारण न बने, पाप के भागी न बने, और अच्छी चीजों का सेवन करिएगा, गलत चीजों से बचिएगा। जो मद्रा और नॉनवेज का सेवन करते हैं उन लोगों के लिए दक्षिण और पश्चिम की दिशाएं अच्छा फल देती हैं, परंतु सात्विक प्रवृत्ति के इंसान को ये दो दिशाएं फल नहीं दे पाती हैं। भाई जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, भगवान की भक्ति जो है बड़े अच्छे ढंग से करते हैं और परमात्मा का नाम लिए बगैर आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि पूर्वजन्मानुसार ये जो भक्ति प्राप्त होती है, तो उन लोगों को उत्तर पूर्व दिशा का बड़ा विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और एक मैं विशेष जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो आप घर में मंदिर का निर्माण करते हैं, उसको छत उसकी ऐसी रखें कि जिस पर आपके पैर ना जाएं, क्योंकि ये जानकारी आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा कि नीचे आपके घर में देवता विराजमान है और ऊपर आप चलते हैं, पैरों चप्पलें हैं आपकी, वही चप्पलें आपकी लैट्रिन बाथरूम में भी जा रही हैं। आप मंदिरों का उदाहरण ले लीजिए, मंदिरों में देखिएगा ना कि वहां पर गुम्मद बनता है। गुम्मद बनाने का कारण क्या होता था, वो भावना है, भाव है कि किसी इंसान का देवताओं की प्रतिमाओं के ऊपर पैर ना जाए। भाई हमने घर में मंदिर का निर्माण तो कर लिया, लेकिन नियम का पालन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सुख कहाँ मिलेगा, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, भगवान से मिलान कैसे होगा। क्योंकि जो भक्त है भगवान है, तो वहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब उदाहरण के तौर पे आपके अतिथि ले लीजिए, आपके रिश्तेदार ले लीजिए, यदि आप उनका सम्मान नहीं करते हैं तो क्या वो आपसे बार बार मिलने आएंगे, नहीं मिलेंगे ना।
तो जब आप उनका अच्छे से सम्मान करते हैं तो वो आपके घर में बार बार आते हैं और आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा रहता है। तो देवताओं के साथ रिलेशन अच्छा रखने के लिए, आप अपनी प्रतिमाओं का रिलेशन अच्छा रखने, अपने पूर्वजों का रिलेशन अच्छा रखने के लिए ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, के जहाँ आप मंदिर का निर्माण करते हैं वहाँ पर वो छत है जो चलने की स्थिति में न हो, कि वहाँ पर कोई बच्चा या बड़ा या बूढ़ा ना चले। कुछ ऐसी चीज़ ऊपर बना दीजिएगा कि उस पर चलना संभव ना हो, या फिर आप एक ऐसा कोना निर्धारित कीजिएगा कि उधर कोई नहीं जाएगा, अगर जाते भी हैं तो वो एक क्षमा याचना करके देवताओं से, क्योंकि जैसे मिस्त्री या फिर मजदूर जब मंदिरों में काम करते हैं, गुम्बद पर पेंट करते हैं, तो एक विधि का पालन करके वो देवताओं से आग्रह करके कि हम जो है ये साफ सफाई का कार्य करने के लिए आए हैं, तो आप हमें आज्ञा दें, अनुमति दें, यदि इस क्रम बीच हमारे से कुछ गलती हो जाती है, हमारा पैर आपके किसी शरीर के हिस्से पर जाता है, तो हे देवताओं आप हमें क्षमा कीजिएगा। ये सफाई करते समय ध्यान रखने की बात है, लेकिन डेली के जीवन में ये चीज नहीं चलेगी। तो भाई आप यदि मंदिर का निर्माण करते हैं तो मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के, तो आप अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं और मंदिर में भगवान को बैठाकर वही फीलिंग लेना चाहते हैं जो मंदिर में जाकर आपको अनुभव होती है, तो आप इस चीज का पालन करके देखिएगा और फिर आप अनुभव कीजिएगा और मुझे अनुभव शेयर जरूर कीजिएगा, अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब हम देवताओं का सम्मान करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। ये जो हम सामग्रियां देवताओं को अर्पण करते हैं ना, इसका कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ क्या है, निमित्त एक भाव है हमारा, भला जो हमें खिलाने वाले हों, जो पूरे संसार का पालन करने वाले हों, वही आपके एक छोटे से फल से या कुछ चावल से या कुछ खीर से या कुछ पकवान से भला कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं आप उनको खिला सकते, नहीं आप उनको इतना दे सकते हैं, तो ये केवल आपका भाव है। भूखे को कोई खिला सकता है पर भूखा किसी को खिलाए ये संभव नहीं हो पाता है, तो हम लोग भूखे की अवस्था में आते हैं, तो वो हमें देने वाले हैं, तो अच्छी बात है आप सम्मान करते हैं, आप उनके आगे आग्रह करते हैं, भोजन रखते हैं, तो साथ में आप इससे इसका पालन जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सनातन धर्म की स्थापना अच्छे से हो और हमारा जो सनातन धर्म है वो अजर अमर रहे और लोग इसको देख कर इसमें आने का प्रयास करें, अन्य धर्म भी इसके अंदर सम्मिलित होने का प्रयास करें, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। बात कर लेते हैं अब घर में जो हम देवताओं की तस्वीरों की स्थापना करते हैं या फिर हम ऐसे रख लेते हैं। देखिए जो हम मंदिर में जो देवताओं की प्रतिमाएं रखते हैं, देखिए दोस्तों जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा ना एक अलग अनुभव होता है। मैंने भी ये चीज बहुत बार अनुभव की है कि जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो एक माँ की प्रतिमा है या फिर वो भगवान विष्णु की है, जब मैं उनके सामने बैठता हूँ या फिर खड़े होकर जब मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो वो एक जो फीलिंग का अनुभव होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है, वो इस संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। उसका मिलने का कारण क्या होता है कि जो मंदिर की तस्वीरें होती हैं उनका एक विधान होता है, वो विधि के अनुसार संपन्न होती हैं, उनका एक लंबा प्रोसेस होता है, करीबन 7 डेज का, 7 से 11 डे भी कर लेते हैं और कुछ लोग शायद 3 डेज में भी इसको संपन्न कर लेते हैं, वो स्थिति अनुसार। वैसे मैक्सिमम 7 डेज का होता है कि देवताओं को एक दिन जल का वास कराते हैं, एक दिन अन्न का वास करवाते हैं, एक दिन वस्त्र का वास कराते हैं, एक दिन दूध का वास करवाते हैं। वास मतलब जैसे जिस दिन दूध का करवाना है तो उस दिन दूध में प्रतिमा को पूरा डाल दिया, जैसे अन्न में वास करवाना है तो प्रतिमा को पूरा अन्न से जो है ढक दिया, और जैसे फिर फल आदि वास होता है, जैसे फिर फलों में पूरा देवताओं की प्रतिमा को फलों से ढक दिया, फिर जैसे कि वस्त्र आदि वास होगा तो कपड़ों से प्रतिमा को लपेट दिया। तो ये 7 प्रकार के जो हैं वास होते हैं जिनको कराने के बाद ही देवताओं की जो है स्थापनाएं की जाती हैं। स्थापना का मतलब होता है उनसे आग्रह करना, प्रार्थना करना कि प्रभु आप इसके अंदर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जब आप उनसे आग्रह करते हैं, जैसे कि आपके अतिथि हैं घर में आने वाले, जब आप उनसे एक जुम्मेवारी के अनुसार बड़ा एक अच्छे अनुभव के साथ आप उनसे आग्रह करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, तो उनका चेहरा खिल जाता है, क्योंकि दोस्तों जो शब्दों में मिठास होता है ना जब हम किसी को बुलाते हैं, ये बड़ा जबरदस्त हथियार होता है, इससे देवता भी विवश हो जाते हैं, इंसान भी विवश हो जाता है। कहते हैं ना प्यार से बड़ा कोई हथियार इस सृष्टि में नहीं होता, इसके वशीभूत देवता भी हैं और प्रेतात्माएं भी हैं। प्रेम
बहुत जबरदस्त हथियार है। तो वहां पर जब ब्राह्मण बड़े आग्रह प्रेम के साथ देवताओं से प्रार्थना करते हैं और एक प्रतिष्ठा का जो पूरा वो फॉलो किया जाता है, 7 डेज का जल अन्न वस्त्र दूध दही इन सब में वास करवा के तो प्रतिष्ठा की जाती। प्रतिष्ठा का मतलब देवताओं को आगमन के लिए विवश करना। विवश कैसे? मीठे शब्दों से, मंत्रों से, उच्चारणों से, उनके गुणगान का बखान करना, उनकी महिमाओं का उनके सामने। जैसे आपके सामने यदि आपके कोई मित्र आपके चर्चों को आपके विषय के बारे में, ये मंत्र क्या होते हैं, यही तो चीजें होती है ना। आप लोग बड़े कंफ्यूज होंगे एक चीज को लेके कि भई ये मंत्र क्या होते हैं। मंत्रों का जो अर्थ होता है वो देवताओं का जो पूर्व किए हुए कार्य जो है उनके वो उसमें उच्चारण किए जाते हैं कि प्रभु आप तो अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है, आपने वहां पर उस दैत्य का वध किया था, आप सर्वशक्तिमान है। तो हिंदी उनकी तकरीबन जो मैक्सिमम जो उनके और जीवन से जुड़ी हुई होती है, जो संस्कृत में होती है आप लोग समझने में थोड़ा हाउस में अनुभव नहीं कर पाते कि वो बोल क्या रहे हैं, आपके लिए समझना मुश्किल होता है। तो अर्थ उनका केवल इसी से जुड़ा हुआ होता है। तो वहां पर जब देवताओं की प्रतिष्ठा करते हैं, अब प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चल, एक होती है अचल। अब चल होती है कभी आ गए कभी चले गए। तो घर में कौन सी करानी चाहिए और मंदिर में कौन सी? भाई मंदिर का तो देखो ब्राह्मणों को पूरा ज्ञान है, घर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, घर में हमें चल अचल प्रतिष्ठा देवताओं की करानी चाहिए। चल अचल मतलब वो आते भी रहे और जाते भी रहे, क्योंकि जब वो एक जगह जब आप स्थिर प्रतिष्ठा करवा देंगे, एक जगह रुकने वाली जब आप प्रतिष्ठा करवा देंगे, तो ये प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं आपको नियमों के अंदर बांध देगी। नियमों के अंदर कि आप फिर घर को खाली नहीं छोड़ सकते, आप घर को लोक करके नहीं जा सकते, आपको समय पर आरती भी करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, समय पर आपका मंदिरों भगवान को भोग लगाना भी अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप चल अचल प्रतिष्ठा जो है करवाएं। स्थिर प्रतिष्ठा केवल मंदिर में ही जो है ठीक रहती है, घर के लिए चल अचल प्रतिष्ठा की देवता आए आशीर्वाद दिया या भोजन का हमने आग्रह किया देवताओं से, देवताओं ने भोजन को ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करके देवता अपने स्थान पर चले गए। तो प्रतिष्ठा यही रखें चल अचल। और बिना प्रतिष्ठा के तो दोस्तों आपकी जो मूर्तियां हैं वो केवल एक दिखावे का महज स्वरूप है। आप बुरा मत मानिएगा यदि आपने घर में मूर्तियों की मूर्तियां रखी हुई हैं तो वो केवल एक आपकी मन की इच्छा है, उसमें देवताओं का कोई अनुभव किसी भी प्रकार का, क्योंकि आपने देवताओं से आग्रह नहीं किया भाई, देवताओं को आपने बुलाया नहीं, विवश नहीं किया है कि आप उसके घर में आइए, आप उन चीज़ों में स्थान ग्रहण कीजिएगा। माँ भगवती की कोई प्रतिमा है तो उसमें आग्रह भी तो होना चाहिए, प्रार्थना भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि बनाते समय क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे तरीके से मूर्तियां बनाई जाती हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर उनको शुद्ध करके उनमें देवताओं का बुलाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो आप जो प्रतिमाएं रख रहे हैं इनमें आप चल अचल प्रतिष्ठा जरूर करवाइएगा, बिना चल अचल प्रतिष्ठा के आप अच्छा अनुभव नहीं कर पाएंगे, और जब आप चल अचल प्रतिष्ठा करवाएंगे तो आप वही अनुभव कर पाएंगे जो आप मंदिर में अनुभव करते हैं। आप घर में एक मूर्ति का एक नियम होता है, ये नहीं है कि भैया आपका मन किया कि आप 3 फुट की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर लें, आप 4 फुट की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर लें। जो मूर्ति की जो अवस्था दी गई है वो 9 इंच से कम रखनी चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर ये भी आपके लिए बड़ा जानकारी जरूरी है कि जब आप घर में प्रतिमा रखते हैं तो उनका साइज 9 इंच से नीचे ही होना चाहिए, और गणेश जी की प्रतिमा केवल एक ही घर में स्थापित करें। भई हम बहुत ज़्यादा प्रतिमाएं स्थापित कर लेते हैं वो गलत हो जाता है, क्योंकि भगवान गणेश की पीठ के पीछे दृढ़ता होती है। तो मैं गणेश को ही नहीं अमित, मैं सभी के लिए आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप घर में देवताओं की प्रतिमाएँ मूर्तियाँ रखना चाहते हैं तो केवल एक ही रखें, एक देवता की, क्योंकि आप पूजा एक की कर पा रहे हैं और आपने तस्वीरें इतनी ज़्यादा रखी हुई हैं। तो हर देवताओं को ये उनका अपना होता है कि जब आप किसी चीज़ का सम्मान नहीं कर पाते हैं, उसको बिठा तो देते हैं तो फिर वो आपको पॉजिटिव प्रभाव नहीं देगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई अतिथि बुलाया है घर, तो आप उसकी आओ भगत नहीं कर रहे हैं तो उसका चेहरा आप देख पाएंगे तो उस समय आपको अनुभव हो जाएगा कि वो एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है जो उसको फील हुई है वो आपके घर को दूषित कर रही है। तो वैसे ही जो घर में हम प्रतिमाएं रखते हैं
जो घर में प्रतिमाएं रख लेते हैं, एक एक दो दो तीन तीन प्रतिमाएं हम स्थापित कर लेते हैं, कई बार तो हम घरों में देखते हैं कि पूरी दीवारों पर ही देवताओं की, ये आपके लिए ठीक नहीं रहता है। तो कम से कम प्रतिमाएं रखें और चल अचल प्रतिष्ठा के साथ आप घर में तस्वीरें रखें तो उनका भोग लगाएं। हाँ, ठाकुर जी के बारे में आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आप घर में ठाकुर जी को रखते हैं भाई, एक तो उनका तमाशा ना बनाएं, ये टोकरियों में रख के आप लोग हर जगह पे चले जाते हैं, तो हमारी ये संस्कृति नहीं है, हमारा ये कल्चर नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, देवताओं को कभी भी नमक का भोग नहीं लगता है, देवताओं को लहसुन प्याज से बनी वस्तुओं का भी भोग नहीं लगता है। कुछ लोग मैंने देखे ठाकुर जी को लेके चले जाते हैं और टोकरी में रख के समोसे खा रहे, तो उनको समोसे खिला रहे, गोल गप्पे खा रहे हैं तो उनको गोल गप्पे खिला रहे हैं। भाई भाव रखिए, अच्छी बात है कि आप जो खाते हैं आप अपने भगवान को भी खिला रहे हैं, पर ये तमाशा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर ही परमात्मा को याद रखिएगा और उनको स्थान दीजिएगा। यदि आप बाहर जाते हैं तो ऐसा अनुभव कीजिएगा वो आपके साथ है। देखो, आप उस समय पे झूठे कूठे हाथ बाहर लगते हैं प्रतिमाओं को तो वो गलत होता है, वो एक मजाक का विषय बन जाता है। और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे देवताओं को जो है मजाक का विषय मत बनने दीजिएगा, और इसको सौहार्द की तरह एक अच्छे विषय के साथ आप इसको आगे लेके चलिएगा। देवताओं की प्रतिष्ठा चलाचल प्रतिष्ठा के साथ घर में स्थापित करिएगा। ठाकुर जी अगर आप रखते हैं तो ठाकुर जी को आप कहीं लंबे सफर पर यदि कई दिन के लिए जाते हैं तो साथ लेके जा सकते हैं शुद्धता के साथ। ये नहीं है कि आप अशुद्धता के साथ आप उनको लेके चले जाते हैं, बिना नहाए धोए सुबह उठे हैं आप, फ्रेश हुए और जाके अपने ठाकुर जी को उठा लिया, बिना नहाए धोए हमें प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखें। लोकल में आप छोटे मोटे कार्य के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी को घर में ही रखिएगा, लंबे सफर पर 5-10 दिन के लिए, क्योंकि ठाकुर जी को प्रतिदिन भोग लगता है, प्रतिदिन स्नान होता है। यदि आप नहीं लेके जा सकते हैं तो आसपास में कोई ब्राह्मण जी हैं, मंदिर है आपके, वहां पर उनको सेवा के लिए आग्रह कर सकते हैं कि प्रभु आप इनको ठाकुर जी को अपने पास रखिएगा और इनकी सेवा कर दीजिएगा, मैं मुझे 2-3 दिन का कार्य। फिर आप अपने किसी रिश्तेदार से भी आग्रह कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको हम ठाकुर जी को जो है समर्पित करते हैं और आप इनका जो है ऐसे ही पूजन और जो भी आपसे हो पाए आप जरूर करिए, आग्रह निवेदन के साथ। आप जबरदस्ती नहीं, कोई लेना नहीं चाह रहा और आप उसको धक्के से आप उसको चेप के चले जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जिसका ठाकुर जी में भाव हो, जिसकी आस्था हो, तो उसी को ठाकुर जी को देकर आप जाइएगा। प्रतिमाएं कम से कम रखेगा, ज्यादा मत रखेगा, 2 संख घर में स्थापित मत रखेगा। शिवलिंग अगर आप रखना चाहते हैं या तो आप पाल शिवलिंग को रखिएगा या फिर आप चांदी के शिवलिंग घर में रख सकते हैं, सोने के रख सकते हैं। भाई पत्थर का शिवलिंग मत रखिएगा, क्योंकि महाकाल त्रिकालदर्शी हैं, शमशान घाट में निवास करते हैं और आसपास की आत्माएं नेगेटिविटी सब इनको नतमस्तक होती हैं, तो घर में उस शिवलिंग का होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो शिव भगवान को आप अपने हृदय में स्थान दीजिएगा। अगर आप किसी लिंग में आप उनको स्थान घर में देना चाहते हैं तो इनमें से कोई सा भी आप चुन सकते हैं, चांदी का शिवलिंग या फिर पारद या फिर आप तांबे का भी घर में रख सकते हैं, क्योंकि सबकी पूजा का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग अनुभव है। तो ये प्रतिमाएं आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, और लेकिन सम्मान के साथ। ये नहीं है कि आप पूजा कर दी है, 2 दिन नहीं हो पाई है, 3 दिन नहीं हो पाई है बीच में, तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे और आपके जीवन में दिखते परेशानी आपको परेशान करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों घर में पूर्वजों की प्रतिमाएं। मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, देवताओं की प्रतिमाओं के साथ अपने गुरु की फोटो को रख देते हैं। देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश भी है, परंतु प्रतिमाओं के साथ गुरु की तस्वीर को रखना ये उचित नहीं है। हाँ, आप उस स्थान पर थोड़ा नीचे रख सकते हैं देवताओं की प्रतिमाएं ऊपर में। बहुत से जगहों पे तो मैंने ऐसी चीजें देखी हैं कि देवताओं की तस्वीरें नीचे हैं और गुरु को जो है एक
इंसान को जो है गुरु बनाया हुआ है, और उसको उन्होंने क्या किया हुआ है कि देवताओं से ऊपर उसको स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके गुरु भी समस्या में पड़ने वाले हैं, क्योंकि देवताओं की बराबरी मनुष्य ना तो कभी कर पाया है ना कभी कर पाएगा। तो जब कर नहीं सकता ना कर पाया है, तो आप बराबरी करवाने का प्रयास क्यों करते हैं? आप क्यों धक्के से जबरदस्ती देवताओं के साथ आप अपने गुरु को बिठा देते हैं? आप जानते हैं कि आपके गुरु को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कभी भी किसी इस लोक में मरे हुए इंसान को, मृत्यु को प्राप्त हुए स्वर्गीय या फिर जीवित इंसान को देवताओं के साथ प्रतिमा को भाई मत रखिएगा। ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। देवताओं को स्थान अलग दिया गया, ये तो भाव, ये तो देवताओं का देखिए स्वरूप देखेगा ना, उन्होंने कितने अच्छे शब्दों में कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि देवताओं ने जो है इंसान को भी, इंसान के अंदर भी अपने देवताओं ने आपको महसूस कराया है कि हम जो है कि इंसान के अंदर भी हैं। और वैसे तो ये हमारा जो पूरा शरीर है उसमें देवता भी निवास करते हैं। आप पूरे शरीर को कभी, ये किसी और वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि हमारे कौन से अंग में कौन सा देवता निवास करता है। तो देवताओं के साथ स्वर्गीय आप अपने गुरु को या जीवित गुरु की प्रतिमा को भाई मत रखिएगा, सम्मान दीजिएगा, उनके चरणों से नीचे थोड़ा हाँ स्थान दीजिएगा। जैसे जहां पर भगवान के चरण है वहां पर एक छोटी सी जगह बना के वहां आप अपने गुरु को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उनसे ऊपर या फिर उनके बराबर में मत रखिएगा। बात कर लेते हैं हमारे स्वर्गीय जो है पूर्वज होते हैं। पूर्वज जैसे कि दादा, परदादा, किसी के स्वर्गीय माता है, पिता है। तो हम ये भी चीज देखते हैं कि लोग है ना देवताओं के साथ जो है अपने मात पिता की फोटो रख देते हैं। भाई गुरु में और मात पिता में बात वही होने वाली है जो मैंने आपको पहले बोली है, कि देवताओं के चरणों में आप प्रतिमाएं। वैसे दक्षिण दिशा की दीवार का जो है वर्णन दिया गया है कि दक्षिण दिशा की दीवार पर हमें अपने पूर्वजों की प्रतिमाएं लगानी चाहिए, या फिर दक्षिण दिशा में उनका फेस होना चाहिए। लेकिन देवताओं के साथ ये उचित नहीं है, ये आप उनको भी समस्या में डाल रहे हैं और अपने आप को भी। तो प्रतिमाओं से अपने पूर्वजों को चरणों में दीजिएगा या फिर साइड में स्थान दीजिएगा, साथ में मत दीजिएगा। अच्छी बात है, सम्मान करना चाहिए पूर्वजों का, बड़ों का, और आप आगे करते भी रहे। हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। अब एक हमारे पास प्रश्न और आया था जिसमें कहा गया था कि क्या गुरुजी घर में पितरों को स्थान दे सकते हैं? भाई देखिए, घर के लिए पितरों का स्थान जो है शास्त्रानुसार वर्णन नहीं दिया गया है, तो घर में पितरों का स्थान अनिवार्य नहीं है। और मैं एक अपना अनुभव आप लोगों को बताना चाहूं, मैं एक अपना प्रैक्टिकल अगर आप लोगों को शेयर करना चाहूं, मैंने जितने घरों में पितरों को स्थापित देखा है उन घरों की जो है स्थितियां, दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब देखने को मिली है। तो भाई घर में गलती से भी आप पितरों को स्थान मत दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको दिखते देगा। कारण क्या है? जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो उनकी संज्ञा होती है, उनका स्वरूप होता है, वो बहुत ज्यादा सात्विक, और जो पितर बनते हैं वो अनमेरिड अवस्था में बनते हैं, तो गृहस्थी से उनका लेना देना नहीं होता है। तो ये भी एक लंबा विषय है, इसको अगर मैं शेयर करना चाहूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इतना ही अभी आपको कहना चाहूंगा कि पितरों को आप किसी नहर की जगह पे स्थान दे सकते हैं, या फिर आप अपने खेत में स्थान दे सकते हैं, वो जगह आपके लिए अच्छी रहेगी, परंतु घर के लिए पितरों का स्थान अनिवार्य नहीं हो। भाई पितरों को आप चाहो तो कोई प्लाट परचेज करके, छोटा सा प्लाट लेके उसमें पितरों को स्थान दे सकते हैं, पर घर के लिए जो है पितरों की स्थिति उचित नहीं मानी जाती है। तो घर में अगर आपको अपना सर्वनाश करना है, घर की स्थितियों को बिगाड़ना है, तो आप घर में पितरों को स्थान दें। मैं आपको अपना जीवन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने 2006 से 2023 तक लाखों केसों पर रिसर्च करके एकत्रित किया है। तो पूर्वजों को स्थान घर पर गलती से भी ना दें, कोई प्लाट परचेज करे और उसमें जगह, ऐसा भी ना करे कि पीछे मकान बनाए और आगे आप कोने में पितरों को स्थान दें, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा।
अगला प्रश्न था हमारे पास कि गुरु जी क्या हम सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में हम लोग सोते हैं, क्या उसमें हम देवताओं को जगह दे सकते हैं, वहां पे मंदिर बना सकते हैं? भाई डिपेंड करता है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। चलिए हम दोनों के ऊपर ही इसका जवाब दे देते हैं। जो अनमैरिड हैं पहले उनके लिए आप अपने सोने वाले कमरे में मंदिर बना सकते हैं, पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम आप वस्त्र चेंज करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके माता पिता के आगे आप वस्त्र चेंज करते समय शर्माते हैं या फिर इन चीजों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपके माता पिता आपने यहाँ बिठाए हुए हैं, तो आप वस्त्र चेंज करते समय ये चीज का ध्यान रखेगा। दूसरा, जब आप सोते हैं तब भी आप इस चीज का ध्यान रखेगा कि जहां पर देवताओं के लिए आपने जगह दी हुई मंदिर बनाया हुआ है वहां पर आप पैर ना करें, या कोई ऐसी गलत चीज का उस कमरे में सेवन न करें, या कोई ऐसी गलत हरकत ना करें जो शास्त्र के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो। तो ऐसी क्रिया अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने सोने वाले कमरे में मंदिर बना सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, आपको इसका अच्छा फल मिलेगा, परमात्मा आपके सामने होंगे साक्षात, जब मर्जी आप दर्शन करना चाहेंगे आपको दर्शन हो जाएंगे। अब दूसरा बात कर लेते हैं जो मैरिड है। भाई मैरिड के लिए अगर देखा जाए तो सोने वाले कमरे में मंदिर बनाना उचित नहीं है। अब प्रश्न होता है कि गुरु जी हमारे पास और जगह नहीं। भाई जगह नहीं है तो केवल आप अपने कमरे में एक छोटा सा दीवा जलाकर आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, आत्म ज्योति में आप परमात्मा का सिमरन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में ओम की स्थापना करके एक छोटी सी जगह पर आप वहां पर ओम की स्थापना करके ओम में ही समस्त देवताओं का आप ध्यान कर सकते हैं, पर वो आपको पर्दे में रखना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गृहस्थ जीवन में इंसान की अवस्थाएं बदलती रहती हैं और बदलती अवस्थाओं के साथ देवताओं के आगे जाने से और देवताओं को स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि देवताओं को स्पर्श करते समय हमें शुद्ध अवस्था में हमारा होना जरूरी है। तन मन धन तीनों का स्वस्थ होना, आपका मन भी स्वस्थ होना चाहिए, आपका तन भी स्वस्थ होना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में 24 घंटे के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि इंसान पूर्ण रूप से शुद्ध हो। तो जो गृहस्थ जीवन में है आप परमात्मा से आग्रह कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु आप जल्द से जल्द हमें इतना बड़ा घर प्रदान करने की कृपा करें कि जिसमें आप विराजमान हों और आपके दर्शन होते रहे और हमारा जीवन अच्छा चलते रहे, क्योंकि माता पिता के साथ जीवन जीने में बड़ा उत्तम लगता है, बड़ा अच्छा अनुभव होता है और बहुत अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो हमारे जीवन में बड़ी भूमिकाएं रखती हैं। अब गृहस्थ जीवन में कुछ लोगों का हमने देखा ये प्रश्न नहीं आया हमारे पास, पर हम आंसर इसका जरूर देना चाहेंगे कि हम लोग देखते हैं कि अपने घरों में लोग है ना ऐसे ही अपने रूम में अपने स्वर्गीय माँ की फोटो लगा लेते हैं, स्वर्गीय पिता की फोटो लगा लेते हैं, या स्वर्गीय ब्रदर की फोटो लगा लेते हैं। तो कोई भी है इसमें, आपके पूर्वजों में, आपके बड़ों में, या आपके साथ चलने वाला कोई आपका छोटा भाई था या बड़ा था, वो दुर्भाग्य से इस संसार में नहीं रहा है, तो भाई उसकी प्रतिमा आप अपने रूम में मत लगाइएगा। क्योंकि दोस्तों बात है यहां पर एक सम्मान की। देखिए हम गृहस्थ जीवन जब जीते हैं तो हम कितनी चीजों का ध्यान रखते हैं। गृहस्थ जीवन जो होता है एक पर्दे का होता है, पर्दे के साथ ये जीवन जिया जाता है। तो क्या वो जो चीजें हम करते हैं कि भाई गृहस्थ जीवन को पर्दे के अंदर रखना चाहिए, वो केवल महज सिर्फ शब्दों में ही है? भाई शब्दों में नहीं होना चाहिए, उसको हकीकत में रखिएगा। भले ही वो आज संसार में नहीं है पर उनके सामने आप जो है उस स्थिति से बचिएगा जो एक गृहस्थ जीवन में होती है। इससे ज्यादा बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आप अपने पूर्वजों की प्रतिमाएं अपने रूम में मत लगाइएगा, और मैं तो कहता हूं भाई जीवित अवस्था में भी नहीं लगाने चाहिए। यदि आपके माता पिता है, आपका भाई है, आपकी बहन के साथ आपने कोई ऐसी अपनी फोटो बनवाई हुई है तो आप उसको अपने गृहस्थ जीवन के रूम में मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें जो है आपके आचरण में बड़ा फर्क पड़ता है। इससे आपका जो एक इमेज होती है संसार में प्रकृति के अंदर, देखिए हम ज्यादातर अपने इमेज को देखते हैं जीवित इंसानों के अंदर मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर ये प्रकृति भी तो आपकी इमेज को देखती है ना, आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी जिम्मेवारी को देखती है।
जिसको हम प्रकृति को देख नहीं पाते हैं। प्रकृति हर समय हमारे साथ चलती हो, चाहे भले हवा के रूप में हो, भले वो अग्नि के रूप में हो, भले ही वो पृथ्वी के रूप में हो, पर प्रकृति का जो सम्मेलन है वो हर समय हमारे साथ रहता है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं, और यही नज़रअंदाजगी हमें कहीं ना कहीं परेशानियों में डालती है। एक चीज़ और बड़ी देखने को मिलती है, सोने वाले रूम में लोग शीशा लगा के बैठ जाते हैं। भाई, सोने वाले रूम में कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने लगाया हुआ है और अगर आपके कमरे में कोई शीशा है तो आप उसको पर्दे के साथ रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं, जो हमारी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि सुबह जब इंसान होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता है, जब तक वो थोड़ा टहल नहीं लेता और नहा नहीं लेता है, तो जब बार बार हम शीशे के सामने जाते हैं, जो हमारी नेगेटिविटी की स्थिति होती है, वही आईना जो है बार बार डबल करके हमें वापस करता है, और जिस वजह से हम जो है अपना दिन अच्छा बनाने से पहले ही खराब बना के बैठते हैं। और एक चीज़ का, जब आप मकान बनाते हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग है ना कम से कम शीशों का प्रयोग कीजिएगा, कम से कम शीशे लगाइएगा। आप अपने घर में ऑक्सीजन का स्तोत्र जरूर रखिएगा, हवा आने का रास्ता जरूर रखिएगा। आज हम बढ़ते हुए इस युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजियों में ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, घर में हम एक तरह की कैद की जिंदगी हम लोगों ने जीनी शुरू कर दी है, बंद घर में जीवन जीते हैं, जिस वजह से हमें लंग्स की दिक्कत आती है, हमें अनेकों प्रकार की सांस की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां हमें परेशान करना शुरू कर देती हैं कम उम्र में। इसका रीजन क्या होता है कि हम खुली सांस नहीं ले पाते हैं, खुला जीवन नहीं जी पाते हैं, हम लोग एक बंद मकान के अंदर जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का जितना आप अपने जीवन में उतारेंगे उतना ही आपको शुद्धता देगी, उतना ही आपकी स्थिति को ये स्थितियाँ बेहतर बनाएंगी। डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच और किन स्थितियों का आप लोग पालन करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखकर चलते हैं। हर चीज़ हमारे जीवन में अपना जो है रोल निभाती है, चाहे वो हमने घर में कोई अलमारी रखी हुई है, चाहे कोई घर में हमने आईना लगाया हुआ है, चाहे कोई हमने घर में एक घड़ी की स्थापना की हुई है, टाइम पीस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसको हम कभी किस दिशा में लगा देते हैं, कभी किस दिशा में लगा देते हैं, इसकी सबसे उत्तम दिशा होती है उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में। और घड़ी दोस्तों हमेशा 1-2 सेकेंड आगे होनी चाहिए, कभी भी घड़ी को पीछे की अवस्था में मत लगाइए, अर्थात समय से घड़ी पीछे जो आपकी चल रही होगी कहीं ना कहीं वो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, आपके जीवन को प्रभावित करेगी। और एक घर में गलती से भी बंद घड़ी को मत रखिएगा या फिर आप खराब घड़ी को मत रखिएगा, क्योंकि ये आपके बढ़ते हुए जीवन में दुखों को लाने का कार्य करती हैं, दुर्भाग्य को, क्योंकि जो बंद चीज है तो बंद एनर्जी को उत्पन्न करेगी, और जो ठीक अवस्था में कोई चीज रखी हुई है तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके नजदीक लेके आएगी। तो घड़ी का, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज का, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फोन खराब हो गया है या कोई प्रेस खराब हो गई है या फिर कोई भी अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हमारे पास ख़राब हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे ही घर में पड़ी रहती है, काफ़ी लंबे समय तक पड़ी रहती है, और वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हमारे जीवन को तबाह कर देती है। हम लोग मानसिक परेशानियों से, मानसिक स्थितियों से परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं हमारे साथ क्या हो रहा, क्या बीत रहा। भाई, इन चीज़ों के पीछे जो एक कारण होता है वो कहीं ना कहीं आप जिस जगह पर रह रहे हैं आपको ये लिए जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ें जो आपके साथ में रखी हुई हैं, आप जिन चीज़ों के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आप यदि वृक्ष भी लगाते हैं, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि आपने घर में वृक्ष लगाया हुआ है, अब वृक्ष जो है बड़ा हरा भरा है, आप जब वृक्ष को देते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है, उसमें पत्ते और फूल को देखकर आप मन मुग्ध हो जाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। और जब आप किसी सूखे पेड़ को देखते हैं तो सूखे पेड़ को देखकर कहीं ना कहीं आपको जो है मन में परेशानी महसूस होगी, आप बड़ा अजीब सा फील करेंगे, जैसे कि उस वृक्ष में ये स्थिति नहीं है, आपके अंदर ये स्थिति है। तो भाई, ये चीज़ें आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो घर में रहना, सभी चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और हर दिन खुशी के साथ हमें जीवन व्यापन करना चाहिए।
क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध वाली चीजें खानी भी नहीं चाहिए और घर में कुछ ऐसा रखना भी नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए घर में हम लोग क्या कर लेते हैं, शेर की फोटो लगा लेते हैं। हिंसक जीव जो होते हैं, हिंसक पशु जो होते हैं, जैसे कि शेर होगा, हाथी भी हिंसक अवस्था में कब आता है, जब वो सूंड को ऊपर की तरफ उठाता है, क्रोध की अवस्था में आता है। आप साधारण यदि कोई पशु है और वो हिंसक अवस्था में उसकी फोटो को आप घर में लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करेगी, आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। डिपेंड करता है कि वो फोटो किस स्थिति के अंदर है। कुछ लोग जो है पशुओं की चमड़ी से बनी हुई चीजें घर में ले आते हैं, पशुओं के जो जैसे कि हाथी का दांत घर में रख लेना, भाई उसने कितनी परेशानियां झेली होंगी। जो चीज आप अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, उस पशु से जब ये चीज अलग की गई होगी, उस पर क्या बीती होगी। और आप खुद पर भी ये चीज ले लीजिए कि आपके अंग को काट कर यदि किसी के घर में सजाया जाए या उसको एक शोरूम की स्थिति बना दी जाए, डिस्प्ले में उसको प्रस्तुत कर दिया जाए, लोग उसको आते जाते देखे, तो आप क्या फील करेंगे? क्या आप उस परिवार के लिए, वहां पर रहने वाले इंसानों के लिए आप अच्छा सोचेंगे? भाई जब आप उनके लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं, तो आप फिर ये भी तो सोचना आपके लिए जरूरी है ना कि जो घर में आप वस्तुएं आपने रखी हुई हैं वो हिंसक पशुओं की हैं या फिर वो साधारण पशुओं का कोई अंग था, उसको काट कर वो चीज बनाई गई है। तो भाई सुखी जीवन के लिए ना ये बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, पर ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब हम अपने पूर्वजों को ले लेते हैं। देखो भाई आज तो हम लोग 4 से 5 लोग घरों में होते हैं, मैक्सिमम इतना है, हम दो, हमारे दो, ये ट्रेंड चला हुआ है। तो पहले 90-90 आदमी एक फैमिली के अंदर रहते थे। कारण क्या होता था, क्यों लोग हंस के अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे, खुशी के साथ, आनंद के साथ, एक ही प्रश्न पूरे परिवार को लेके आगे बढ़ता था, क्योंकि हम लोग उस समय पर इन टेक्नोलॉजियों के पीछे अंधे नहीं थे। हम ऐसी चीजों को घर में नहीं रखते थे जो किसी को पीड़ा देकर हम लोग घर में लेके आए हों, या उसके आने से हमारी प्राप्ति के कारण उस पशु को, उस पक्षी को पीड़ा झेलनी पड़ी हो। उस समय पर हमारे घर में खुशी के साथ कुछ ऐसे जीवों को रखा जाता था जो हम लोग उनका भरण पोषण करते थे, वो हमारे लिए दूध का उत्पादन करते थे, जैसे कि गौ माता और भी अन्य भैंस होगी, और भी हम पशु पक्षियों को घर में रखा करते थे, तो जिससे उनको भी कोई पीड़ा नहीं होती थी, हमें भी कोई पीड़ा नहीं होती थी। और हमारे पूर्वजों ने बड़े अच्छे से वो जीवन व्यतीत किया है, हमारे पास वो जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि पहले जो घर की स्थापना होती थी, जो घर बनाया जाता था, वो विचारों के साथ बनाया जाता था, उसमें सभी के विचारों को अहमियत दी जाती थी। तो एक शख्स ऐसा होता था तो सभी के विचारों को समझने की सामर्थ्य रखता था, हर किसी की बात का आंसर देने की सामर्थ्य रखता था, घर के सभी सदस्यों की सोच के अनुसार ये कार्य करने की सामर्थ्य रखता था। आज अलग अलग होने का कारण क्या है और एक घर में 4 बंदे खुश ना रहने का कारण क्या है, कि कुछ तो हम लोगों ने जो उपकरण अपने घर में रखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। हम भले ही मोमबत्ती के अंदर जीवन जीते थे और आनंद के साथ जीते थे, आज हम इतनी चकाचौंध, अंधेरे में भी हमारे पूर्वजों ने खुशी और आनंद के साथ जीवन व्यतीत किया है, और हम लोग आज इतनी फैसिलिटियों के साथ भी आनंद के साथ अपना जीवन व्यापन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज हमारे घर में आ रही है वो किसी के परेशान होने का कारण तो नहीं है, वो किसी की खुशी का कारण तो नहीं है। खुशी वाली चीजें घर में लेके आनी चाहिए, परंतु किसी की परेशानी का कारण होती हैं वो चीजें। यहाँ तक कि दोस्तों लोग जब मकान बनाते हैं तो उसमें जो मजदूर रखते हैं, मिस्त्रियों को लगाते हैं, उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, कई बार कुछ लोगों को समय पर उनके पैसे नहीं दिए जाते हैं, पैसे मार लिए जाते हैं। तो इतनी पीड़ाओं को इकट्ठा करके जिस घर का निर्माण किया जाएगा, अर्थात जिसमें कहीं ना किसी की आत्मा दुखी होगी, वो वस्तु हो या फिर उस मकान को बनाने में जितनी आपने पीड़ाएं दी हैं, तो फिर उस घर के अंदर आप सुख का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीजों का यदि जीवन में ध्यान रखा जाए, ये छोटी छोटी चीजें जरूर हैं पर ये आपको सुख का अनुभव कराएंगे। कहते हैं ना कि झोपड़ी में सुख
अनुभव किया जा सकता है आज, पर महलों में बड़ा मुश्किल है। उसके पीछे ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम लोग ध्यान नहीं देते। बस हमें क्या होता है कि भाई हमें तो बस अपनी फैसिलिटियों से मतलब है, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, पर उन सब चीजों के पीछे कौन कौन परेशान है और किस किस की वो परेशानी का कारण बनी है, वो परेशानियां हम अपने बिहाव पे कम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है इन चीजों के ऊपर। और हमें सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए हमें, जब हम एक महल क्यों, महल किस लिए, मकान किस लिए बनाया जाता है, सुख के लिए बनाया जाता है, और वही मकान आपके दुख का कारण बने, क्यों भाई ऐसा क्यों? थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर आज की स्थिति नहीं है आपके पास मकान को तैयार करने की, किसी को पीड़ा देकर आप अपने घर का निर्माण मत करिएगा, वो आपके दुखों का कारण बनेगा। तो दोस्तों, कुछ आप लोगों के प्रश्न थे, कुछ प्रयास हम लोगों ने किया, जो हमारे पास आप लोगों के लिए आंसर अच्छे अच्छे थे, जो हमने अनुभव किए हैं, जो हमने रिसर्चें की हैं, वो आप लोगों के समक्ष लेके आए थे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और आप घर में कोई भी चीज़ रखेंगे उसको सोच समझ कर रखेंगे तो आपको सुख का अनुभव जरूर होगा। जानकारी कैसी लगी है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। भाई जय गौ माता की लिखिएगा, जय भारत माता की जरूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिएगा, ज़रूरतमंदों का आश्रय बनिएगा, क्योंकि जीवन दोस्तों बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में बड़े काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि नेक्स्ट जीवन डिपेंड करता है आज की हमारी स्थितियों पर कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। यदि हम लोगों का पैसा मारते हैं, लोगों के साथ धोखा देते हैं, तो जरूरी नहीं है दोस्तों हमें अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, हो सकता है किसी पशु पक्षी का वो कर्जा चुकाने के लिए जन्म लेना पड़े। और यदि हम लोगों का भला करते हैं, लोगों का अच्छा करते हैं, लोगों को समय पे दुख में उनकी मदद करते हैं, तो ये निश्चित हो जाता है कि आपको अगला मनुष्य का जीवन जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने नेक कार्य इतने किए हैं, और जिन लोगों पर आपने एहसान किया है, जो जिन लोगों पर आपने कर्जे चढ़ाए हैं, वो अगले जन्म में उस कर्जा उतारने के लिए आपके साथ जरूर आएंगे, आपके पास जरूर आएंगे, और फिर से आपको मनुष्य का जीवन जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे, माँ भगवती आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कॉमेंट में जय गौ माता की लिखिएगा, और यदि आपको कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, हद से ज़्यादा परेशान, उस प्रश्न को लेकर आप हमें भेजिएगा। प्रयास रहेगा कि हम आप तक उस प्रश्न का उत्तर पहुंचा पाएं और आपकी कुछ समस्या कम करने में अपना योगदान दे पाएं। खुश रहिएगा और सदा माँ भगवती के शरण में, परमात्मा की शरण में रहिएगा।